नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बुशरा। हमारी खास पेशकश में आज बात करेंगे उस सिस्टम की, उस सरकार की, जिसकी लापरवाही कहे या अनदेखी, जिसके चलते एक अन्नदाता को मौत को गले लगाना पड़ा। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। खुद को किसान पुत्र कहने वाले प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान बुधवार को जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करने खंडवा पहुंचे, लेकिन प्रदेश के मुखिया को खंडवा के एक किसान परिवार का दर्द नजर नहीं आया। ये वही किसान परिवार है जिसके कमाव पूत ने खेतों में अपनी फसलों को सूखते देखकर जहर खाकर अपनी जान दे दी। लेकिन ना तो खुद शिवराज सिंह चौहान, न सरकार का कोई मंत्री, यहाँ तक कि किसी भी जिम्मेदार ने पीड़ित परिवार की कोई सुध नहीं ली है। खंडवा की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर हैं, तो सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल भी बीजेपी के ही सांसद हैं। मामले को लेकर अब मानधाता के पूर्व विधायक राजनारायण सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आदिवासी किसान सुखराम की आत्महत्या के लिए प्रशासन और सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। जब पानी भराया था, आप लोग भी आए होंगे, जब वो अचानक बारिश बहुत तगड़ी हुई थी कई इंचों में, तो उस वक्त से ये हालात जो निर्मित हुए थे, सब फसलें खत्म हो गई और उसके बाद में क्या हुआ कि लोगों की बकरी बह गई, बैल घूम बह गए, लेकिन प्रशासन की असक्षमता का ही ये रिजल्ट है। नाकामयाब सरकार और असक्षम प्रशासन जी। आरबीसी 6-4 ब्रिटिश के जमाने से एक सिस्टम चला आ रहा है, यानी भू राजस्व संहिता में इसकी गुंजाइश है कि आरबीसी 6-4 में अगर आपके बैल मर गए, बैल चले गए तो पैसा देना चाहिए, बिजली गिर गई तो पैसा देना चाहिए, फसल चली गई तो पैसा देना चाहिए। दरअसल प्रदेश के मुखिया खुद को किसान पुत्र कहते हैं। शिवराज सिंह चौहान बुधवार को जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करने खंडवा पहुंचे थे, जहां उन्होंने मंच से कहा था कि किसान भाई परेशान न होना, मामा भी चिंता है। अब सवाल ये खड़ा होता है, जब आप किसान पुत्र हो तो आपने खंडवा जिले के पुनासा तहसील के देत गांव निवासी मृतक किसान के परिवार की सुध क्यों नहीं ली? ना ही खंडवा की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर पहुंची, ना ही सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने मृतक परिवार से मिलने की जहमत उठाई। वहीं मानधाता के पूर्व विधायक राजनारायण सिंह ने आदिवासी किसान सुखराम की आत्महत्या के लिए प्रशासन और सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि जब अंग्रेजों के समय से आरबीसी का नियम चला आ रहा है कि फसल से लेकर मवेशी और इंसान की क्षति पर मुआवजा देना होता है। अब आदमी इतना चिंतित है, सरकार सोई है, उसको कोई ज्ञान ही नहीं है कि क्या हो रहा है। अब अगर आज पानी भी गिर जाए तो कोई फायदा थोड़ी होना है। तो सवाल ये है कि जो किसान जो उसने जो पॉइजन पिया है, पॉइजन आदमी कोई ऐसी जान देता है क्या? कोई नहीं जान दे सकता, लेकिन जान उसने इसलिए दी, उसने बहुत रास्ता देखा। उत्तम पाल सिंह ने तो तहसीलदारों ने उनको कई बार टेलीफोन भी कराया कि भाई बहुत खराब स्थिति है, वहां बकरियां जैसे बह गई थी, यहाँ बैल बह गए थे। अगर समय से अगर उनको आरबीसी 6-4 का अगर पैसा मिल जाता, या हमने आश्वस्त करें उनको, हमारे से जो बनी हमने मदद करी, अगर समय पे अगर उनको अगर राहत मिल जाती तो शायद सुखराम मौत के घाट नहीं उतरता। जब पुनासा में आफत की बारिश आई, लोगों के मकान गिर गए, फसलें बह गई, यहाँ तक कि मवेशी मर गए, इंसानों ने जैसे तैसे जान बचाई, बावजूद 2 महीने बाद भी किसानों को सरकारी नियमानुसार राहत नहीं मिल पाई। यानी सरकार निकम्मी है और प्रशासन असक्षम है। आज स्वराज एक्सप्रेस की टीम पुनासा तहसील के देत गाँव पहुँची, जहाँ हमारे संवाददाता नासिर खान ने मृतक परिवार एवं गाँव के लोगों से चर्चा की। वहीं परिवार वालों ने बताया कि कुछ दिन पहले हमारे बैल बह गए थे, जिसका मुआवजा प्रशासन द्वारा आज तक नहीं दिया गया था, जब किसान ने मृत्यु जैसे बड़े कदम उठा लिए, जिसके बाद शासकीय अमला मृतक परिवार से मिलने पहुंचा था। भले ही सूबे के मुखिया खुद को किसान पुत्र होने का दम भरते हैं, बावजूद उसके एक और किसान ने सिस्टम की बेरुखी के चलते मौत को गले लगा लिया। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि अब पीड़ित किसान के परिवार को मुआवजे का मरहम देने का कष्ट कौन करता है, या फिर यूं ही अन्नदाता परिवार खून के आंसू बहाता रहेगा। नासिर खान, स्वराज एक्सप्रेस, खंडवा।
इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद है नासिर खान हमारे संवाददाता खंडवा से। नासिर, एक ही सवाल पीड़ित परिवार पूछ रहा है कि आखिर समय रहते मुआवजा मिल जाता तो शायद किसान की जान बच जाती। बिल्कुल, बता दूं कि आज जब हमने वहां जाके परिवारजनों से बात की तो उन्होंने बोला कि अगर समय रहते अगर ये मुआवजा उनको मिल जाता तो आज ये उनको ये बड़ा कदम उठाना नहीं पड़ता। और जब उठा ही लिया तो फिर भी आज ये सब अधिकारी जाके उनको बताते हैं कि उनको मुआवजा मिल गया है, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि आज तक भी हमें केवल लुभाने आश्वासन दिए जा रहे हैं लेकिन हमारे खातों में एक रुपया भी नहीं आया है। वहीं कई किसानों का आप भी पैसा जो कर्ज का पैसा था वो भरना है। और दूसरी चीज ये आ रही है, बहुत सारे किसानों की फसलों का जो नुकसान हो रहा है आज तक सर्वे नहीं हो पाया है। जी चलिए लौटूंगी आपके पास। संजय राठी जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं जो कि समाज सेवी हैं। बहुत स्वागत आपका संजय जी। नमस्ते संजय जी। जो खंडवा में मामला सामने आया, किसान को समय पर मुआवजा नहीं मिला, नतीजा ये रहा कि उसने मौत को गले लगा लिया, इस मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया जो मेरा अभी तक का अनुभव है शासन प्रशासन को बड़े नजदीक से देखने का जी, इसमें ये है कि आपने कहा कि उसको मुआवजा विलंब से मिला, समय पर नहीं मिला। अरे वो तो अगर नहीं मरता तो हो सकता शायद ना मिलता। यहाँ ये बात आती है, कानूनी प्रक्रियाएं जटिल है और इसके पहले इस तरीके की प्राकृतिक आपदाएं यदि आती हैं तो इनके लिए भी कोई जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं, प्रिकॉशंस होते हैं, वो कहीं लिए नहीं जाते। बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं, मुआवजे लोगों को जन हानि हो जाती है, धन हानि होती है, लोग बर्बाद हो जाते हैं। और इस सारे मामले में ये रहा कि देखिए प्रक्रिया कितनी जटिल है, वो मुआवजे के लिए परेशान था और उसको मुआवजा नहीं मिला, और जहां तक हमको जानकारी आई कि उसने इसीलिए जो है वो उसकी मौत हुई जी। तो हम अब यहाँ प्रश्न आता है कि जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तत्काल 24 घंटे के अंदर मुआवजा तक उसके घर तक पहुंच गया, तो क्या हम ऐसी बड़ी घटनाओं का और ऐसे बड़े बड़े हादसों का रास्ता देखेंगे जब हम तत्काल मदद देंगे लोगों को? मतलब हादसा बड़े से बड़ा हादसा होना जरूरी है जब तत्काल मदद मिलेगी। ये बड़ा शर्मनाक है, ये या तो ये हमारी सिस्टम की कमी कहें, और हमने सरकारी कार्यालयों की व्यवस्था भी देखी है, कहीं स्टाफ नहीं है, कहीं सुनवाई नहीं है, और कहीं यदि ये सब कुछ है तो भ्रष्टाचार का आलम है, तो इसमें एक बड़ा सुधार आना जरूरी है। उससे भी बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि यूं तो पिछले काफी समय से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के हित की बात करते आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि कई बार किसानों की हर लगभग परेशानी को वो समझते हैं और उन परेशानियों को देखते हुए वो उचित मुआवजा समय पर देते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि इतना दम भरने वाले आखिर कहाँ हैं? नहीं, ये जो आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री दम क्या भरे, ये तो उनका दायित्व है, उनकी जवाबदारी है, और ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं वो जनता के ऊपर या किसानों के ऊपर। सरकार पूरी तरीके से जवाबदेह है किसानों के प्रति और मध्य प्रदेश के एक एक निवासी के प्रति। सरकार की जवाबदारियां असीमित है, उसको जनता की केयर कर। चलिए लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ नारायण सिंह जी भी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं जो कि जिला अध्यक्ष कांग्रेस से। बहुत स्वागत आपका नारायण सिंह जी। मेरी आवाज आपको मिल रही है नारायण सिंह जी? आप सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। नारायण सिंह जी, खंडवा में जो मामला सामने आया, किसान को देर से मुआवजा मिला उसकी मौत के बाद, समय रहते अगर उसे मुआवजा मिल जाता तो शायद उसकी मौत ना होती। जी मैम, मैम दिक्कत क्या है कि मैं भी उसका प्रभावित हूँ, उस बाढ़ का जो एकदम से बाढ़ आई थी जी। और मेरे क्योंकि विधानसभा में मेरा गांव भी उसमें प्रभावित था, वो लगभग 2 महीने पहले की घटना है। उसी दिन कलेक्टर साहब विजिट पे आए तो हमने ये कहा कि आपने नुकसानी को अपने आंखों से देखा है, तो उन्होंने कहा कि नारायण सिंह, क्योंकि मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य भी है, तो क्योंकि उस नाते मैंने उनसे कहा कि आप इसका आपने खुद ने देख लिया, इसमें डिले भी नहीं होना चाहिए और इसमें कमी भी नहीं होना चाहिए। लेकिन 2 महीने हो गए, आज जिनकी दृष्टियां उजड़ गई वो आज आत्महत्या कर रहे हैं। ये आत्महत्या क्या दिखा रही है कि संवेदनशील सरकार और लचर तंत्र ये दोनों खत्म। मतलब आप पर जबकि तंत्र ने मजबूत होना चाहिए
सजग होना चाहिए और सरकार में दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। ये दोनों की धज्जियां उड़ा दी उस किसान की मौत में। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर दो महीने का समय आखिर क्यों लग गया, सिस्टम का फेलियर है, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसको लेकर समय समय पर दम भरते आ रहे हैं कि किसानों की हर एक समस्या से वो वाकिफ भी रहते हैं और उनकी समस्याओं को दूर भी करते हैं, ऐसी कई सारी योजनाएं भी चलाई जा रही है लेकिन इम्प्लीमेंट क्यों नहीं। और आप क्योंकि विपक्ष में है तो आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे अगर मामले हैं तो उन्हें समय रहते उठा लिया जाए। नहीं मैम, हमने उठाया और इसी बात का इशू है कि 25 दिन पहले जिला पंचायत में और जनपद पंचायत और एसडीएम कार्यालय हम गए कि आप समय पे मुआवजा दीजिए। ये बात हमारी है जिसके तथ्य हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये कहा जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बेल की नहीं आई। अरे बेल की रिपोर्ट दो महीने में आ रही तो इस मृतक किसान की रिपोर्ट कहाँ जाएगी? क्या बेल का बिसरा जाता है क्या कहीं पे, जबलपुर या भोपाल? मतलब इस प्रकार के तथ्य भी है। उसके बाद में कल जो एक रोचक तथ्य आया कि जिन लोगों के मकान जमीन से भेज गए, एक दाना भी बचा नहीं, न ईट बची, न पत्थर बचा, न ऊपर के चद्दर बचे, उसको 9,000 रुपए और 4,000 रुपए मुआवजा दे रहे। ये कितनी संवेदनशील सरकार है? अरे कुटीर बराबर 1,60,000 रुपए एक इंदिरा आवास के मिलते, उतना तो जिसका जमीन पूरी भे गई, वो कुछ भी बचा नहीं, उसके पास में फूटी कोड़ी नहीं बची, उसको फिर 9,000 और 4,000 रुपए मुआवजा दे रहे। ठीक है, और हकीकत क्या है इसको और जानने के लिए सुभाष पटेल जी जो कि भारतीय किसान संघ से हैं, बहुत स्वागत है सुभाष पटेल जी। चलिए सुभाष पटेल जी के पास लौटूंगी, पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं उसका एक दूसरा उदाहरण है, अभी मेरे यहाँ सिलावट जी आए थे कृषि और जल संसाधन मंत्री, मैंने उनसे प्रश्न करा कि आपने कहा कि हमारी सरकार जो बोलती वो करती, पिछला उपचुनाव जब हुआ था कांग्रेस सरकार को गिरा के और जब इन्होंने उपचुनाव कराया उसमें एक वादा करके गए थे मुख्यमंत्री जी खुद, कृषि मंत्री खुद, कि हम राहत राशि उस साल भी हमारी फसलें खत्म हुई थी 3 किस्तों में देंगे, एक किस्त उन्होंने आज तक नहीं दी, 3 साल हो गए। मैंने कहा पहले तो आप उस किस्त की बात करो, आपने कह दिया कि हमारी सरकार संवेदनशील है तो वो तीसरी किस्त 3 साल में नहीं दे पाए, जो 34% पैसा हमारा रुका हुआ है, और आप नई नई चीजें बातें कर रहे हो। उसी का परिणाम है कि कल जन आशीर्वाद यात्रा में जब मुख्यमंत्री जी आए तो प्रेस से नहीं मिले, क्योंकि वहां किसानों के प्रश्न उठते, वहां सूखे के प्रश्न उठते, वहां लाइट का प्रश्न उठता, तो मुख्यमंत्री जी तो पत्रकारों के प्रश्नों से बचने के लिए भाग रहे हैं। आप सामना क्यों नहीं कर रहे हैं? आप खंडवा जिले में आए, एक किसान मर गया आपकी लापरवाही के कारण, आप फसल खत्म हो गई, लाइट खत्म कर दी, आज 10 घंटे बिजली का किसान एडवांस पैसा देता है, 6 महीने के 6 महीने उस किसानों का पैसा भरता है, और आपने 10 घंटे बिजली को 7 घंटे कर दी जिस दिन हमको बिजली की जरूरत है, कल पानी गिर गया रात में 10 घंटे दे दी। अरे भैया जब जरूरत है कि जब हम बचा सकते उस फसल को, वो फसल आज खंडवा जिला पूरी सूखे की चपेट में, सोयाबीन की फसल पूरी तरह खत्म हो गई है और कपास की फसल केवल 20 पैसे बची है जी। मेरी सरकार से मांगे कि इसको सूखा ग्रसित घोषित किया जाए और किसानों को समय रहते राहत राशि दी जाए, वरना ऐसे आत्महत्या वाले प्रकरण हम और दुखद ऐसे घटनाओं का सामना हमें करना पड़ेगा। नारायण जी क्योंकि लगातार हमारे से संजय जी भी जुड़े हुए हैं जो कि समाज सेवी हैं, उनका कुछ देर पहले यही कहना था कि आखिर किसान की मौत के बाद इतनी जल्दी मुआवजा कैसे मिल गया? 2 महीने का समय सिस्टम के लिए क्या नाकाफी था? 2 महीने का समय बहुत होता है, 2 महीने तक आखिर सिस्टम क्यों सोता रहा? और जब किसान की मौत हो गई तो उसके तुरंत बाद ही किसान के परिवार को वो मुआवजा मिल जाता है, यानी यहाँ पर एक कोशिश डैमेज कंट्रोल की है। कभी एक कारण है मैम कि क्या हुआ, इन्होंने रात भर लिपापोती करी और एक असंवेदनशील जो बात थी कि उस मृतक किसान की शव यात्रा के समय न वहां का प्रशासन का या पटवारी तक भी कोई उपस्थित नहीं था, आपकी गलती से, और बाद में रात भर और दिन भर कागजों को भरा गया और कह दिया गया कि साहब हमने मुआवजा उनके खातों में ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन ये वो भूल गए हैं कि ट्रांसफर जिस दिन हुआ उस दिन का कॉल उसका स्टेटस निकलता है, बैंक स्टेटस, वो फंस गए उसमें, अभी उसमें भी देखा जाएगा कि इन्होंने किस समय इनको ट्रांसफर किया। भाई बैंक को पैसा दिया होगा तो ट्रांजेक्शन तो उसी सेम डे बैंक तो उसी दिन बताएगा ना जिस दिन इन्होंने डाला आरटीजीएस में, तो ये गलत तथ्य बता रहे हैं। देखिए नारायण जी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपने दिए हैं, जनता सब देख रही है, बहुत जल्दी चुनाव भी होने वाले हैं, इसका खामियाजा जिस सिस्टम की भी गलती होगी उसे भुगतना होगा, क्योंकि सिस्टम कहीं ना कहीं सरकार उसको ऑपरेट करती है और अगर सरकार की कहीं खामी है तो उसे भुगतना होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप भी क्योंकि विपक्ष में है, 2 महीना का समय बहुत होता है,
इस मामले को बाकी और मामलों की तरह क्यों विपक्ष की नेताओं ने और अच्छे से उठाने की कोशिश नहीं की? अगर समय रहते उस किसान की आवाज अगर आप सरकार की तक पहुंचाने की कोशिश करते तो शायद किसान की सुनवाई जल्दी हो जाती। नहीं मैम, हमारे द्वारा समय समय पे उनको ज्ञापन दिया गया, ज्ञापन की कापी है हमारे पास में। विपक्ष ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। विपक्ष कहीं भी कमजोर नहीं, यहाँ तक कि आज इनके मंत्रियों तक को खदेड़ा है, यहाँ पे इतना इनका विरोध हुआ है। उसके बाद आज हम तो ये सुन रहे हैं कि जिस रूट से जन आशीर्वाद यात्रा मेरी विधानसभा हमारी, तो वो रूट ही चेंज कर दी हमारे आक्रोश के कारण। वो रूट चेंज कर दिया उन्होंने कि यहाँ किसानों का आक्रोश है। तो मेरा एक केवल निवेदन था कि मेरा क्षेत्र जो है वो डूब प्रभावित क्षेत्र भी है। किसानों की बात कर रहे हैं लेकिन आज तक यानी समस्या एक नहीं है जी। हाँ, समस्या एक नहीं, बहुत सारी समस्या। ठीक है, संजय राठी जी भी हमारे साथ समाज से भी लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपकी बातों पर एक रिएक्शन चाहूंगी। संजय जी, कितना इत्तेफाक तक रखते हैं आप नारायण सिंह जी की बातों से? यानी वो सिस्टम की फेलियर की बहुत सारे ऐसे उदाहरण देते नजर आ रहे थे, अभी तक आपने उनको सुना होगा? नहीं, बिल्कुल मैं सुन रहा हूं। और यदि उनकी, वो कांग्रेस को बिलोंग करते हैं, यदि कांग्रेस की सरकार भी आ गई तो क्या हम उस किसान को इतना जागरूक कर पाएंगे कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके बैलों की मरने की समय पर दे दे और मुआवजे के लिए आवेदन दे दे, और वो सरकार क्या इतनी प्रॉम्प्ट होगी जो फट से मुआवजे घर तक पहुंचा देगी और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी? हमारे कोई पूरे सिस्टम में और हमारा जो लेमैन है, जो हमारा जनता का आदमी है, वहां तक जागरूकता तो पहुंचाएं। उसे किसी ने कहा होगा कि भाई तू जल्दी ला दे हमको तेरे बैलों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हम तेरा मुआवजा जल्दी दे देंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ होगा। नारायण जी भी इस चीज से इत्तफाक रखते होंगे। मेरा एक बीच में काउंटर है, मेरा एक काउंटर है कि बैल डूब के मरे, बह के मरे, जिनकी बॉडी मिली है, आप समझना, और आरबीसी के तहत तो आप उसको तत्काल राशि तो दे सकते हैं ना, उसमें किसी की जरूरत थोड़ी ना। सर्वे के तहत जिसका मकान बह गया है उसको सर्वे की भी जरूरत नहीं, उसको जैसे मरता है तो 5,000 रुपए की तत्काल राशि मिलती, वो फंड से तो रिलीज किया जाता फंड। संजय जी, इस खास रिपोर्ट को स्वराज एक्सप्रेस अपने माध्यम से उठाने की कोशिश भी इसलिए कर रहा है ताकि ऐसे जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं जनता के सामने भी आ पाए और जो जिम्मेदार इसके पीछे हैं उन तक ये आवाज पहुंचे कि अगर अभी तक ऐसा सिस्टम चल रहा था तो ऐसा नहीं चलना चाहिए, वरना जनता आने वाले चुनाव में उन्हें सबक जरूर सिखाएगी। तो आप, क्योंकि हम यहाँ पर बात उन ऐसी त्रुटियों को लेकर, ऐसी समस्याओं को लेकर बात कर रहे हैं संजय जी, आप जिक्र कर रहे थे कि सिस्टम में बहुत सारा फेलियर है। आपकी प्रतिक्रिया के अनुसार मैं जानना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा गलतियां, क्योंकि ये ऐसी, जैसे कि नारायण सिंह जी भी कह रहे थे कि ये एक ऐसी गलती नहीं है, ऐसा एक उदाहरण एक अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारी खामियां हैं सिस्टम में चल रही हैं जिसका सीधा सरोकार जनता से और परेशानी उन्हें झेलनी पड़ती है। तो आपके नजरिए से क्या मुख्य समस्या कहां है संजय जी? मुख्य समस्या, हाँ, मुख्य समस्या जो कह रहे हैं ना वो ये है कि हमारे जो सिस्टम है, हमको देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि गाड़ियां जा रही हैं, कार्यालय लग रहे हैं, कार्यालय में आवेदन आ रहे हैं, मुंशी बैठे हैं, टाइपिस्ट बैठा है, वस्तु स्थिति ये है कि सिस्टम पूरा अस्त व्यस्त है। सर्वे कौन करेगा? पटवारी जी हड़ताल पे जा रहे हैं, पटवारी जी मिलते नहीं, पटवारी जी किसी नेता के कहने पे किसी जमीन का सीमांकन करने गए हैं, जनता तो चक्कर ही लगाते रहती है। तो पूरे सिस्टम में एक आमूलचूल परिवर्तन जरूरी है, जनता को जागरूक करना होगा, और ये इस तरीके के निदान हम देखें। और इन सब पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी किसकी है? इस सब पे नियंत्रण करने की जिम्मेदारी हम तो कहीं लगता है कि हम खुद भी हमारे दायित्व का बराबर निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। हमें भी जनता के लोगों में ये चीज कहनी चाहिए। और सरकार नहीं, बिल्कुल हम शासन से जुड़े हुए लोग, चाहे कलेक्टर हो, बात आप सिस्टम की कर रहे हैं। हाँ, नहीं पूरा सिस्टम नहीं, मैं तो ये जो चीज मैंने बताई, ये पूरा फिनोमिना पूरे भारत वर्ष के शासकीय कार्यालयों का है, जहाँ पर मुद्दे की बात के लिए तो बड़ा समय लगता है, कोई बड़ी घटना होती है तो इस तरीके से 24 घंटे में मुआवजा मिल जाता है। आज आप पुलिस थाने पे जाओ कि भाई मेरा पड़ोसी मुझे धमका रहा है, डरा रहा है, तो बार बार आपको वापस लौटा दिया जाएगा। जिस दिन आपका सिर फूटेगा उसी दिन केस रजिस्टर्ड होगा। जी के आदेशों का पालन ठीक तरीके से उन्हीं के अधिकारी नहीं कर पा रहे, इस बात को आप मानेंगे? हाँ, ये तो हम मानेंगे, और फिर उनको मालूम है ना कि मुख्यमंत्री चुनाव के लिए बोल रहे हैं, वो कितने हितेशी हैं, क्या है ना कि सिस्टम में कौन कौन जिम्मेदार है। नहीं,
सिस्टम में या तो मुख्यमंत्री का मैसेज क्लियर हो कि मैं छोड़ूंगा नहीं अगर किसान को कोई दिक्कत हुई, मेरी जनता को दिक्कत हुई, ये ऊपर से ढिलाई है जो नीचे तक सिस्टम कसा नहीं है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ नासिर खान हमारे साथ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर, कुछ और अपडेट आपके पास इस मामले से जुड़े, और जैसा कि अभी तक हमने नारायण जी को और संजय जी को भी सुना, सिस्टम को लेकर के दोनों ही बात कह रहे हैं कि सिस्टम के फेलियर के चलते ही इस तरीके की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। नासिर जी, बिल्कुल बता दूं कि ऊपर से किसी नेताओं का अधिकारियों पर कोई प्रेशर नहीं है और सब अपनी मनमानी चलाए जा रहे हैं, और किसानों ने कई बार इसके लिए आवेदन निवेदन सब कर लिए लेकिन उनको वापस लौटा दिया जा रहा है। ये कुल मिला के राजनेताओं की ढीली पुली वाली जो कहानी है, इसी चक्कर में सारा सिस्टम गड़बड़ झाला चल रहा है। नासिर, थोड़ी देर पहले नारायण सिंह जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि समस्या एक हो तो गिना दी जाए। अभी वो जिक्र कर रहे थे कि डुबान क्षेत्रों में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो परेशान हो रहे हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। एक किसान की मौत का उदाहरण पेश करके स्वराज एक्सप्रेस एक रिपोर्ट पहले ही दिखा रहा है, यानी कि सिस्टम किस हद तक उलझ चुका है, लोग सुनने को तैयार नहीं है, अधिकारी आम जनता से सीधा सरोकार नहीं रखते हैं। कहां कहां ऐसी और कौन कौन सी परेशानियां वहां के लोगों को और देखनी पड़ रही है? आपको बता दूं, जब हम इस पार्ट पे गए थे, जब किसानों के बीच में बैठे थे, किसानों को डर सा भी था, किसानों कैमरों के सामने आके बात नहीं कर पा रहे थे। जब आप द रिकॉर्ड हमने उनसे बात की तो उनको डर था कि कुछ या हमारा मुआवजा काट दे या हमारे साथ कुछ अनहोनी कर दे कोई जी। और नासिर, क्योंकि आप उस पीड़ित परिवार से भी सीधे मिले थे, उनकी तरफ से न्याय को लेकर, मुआवजे को लेकर अभी तक कोई क्या प्रतिक्रिया दी गई है, और साथ ही वो क्या आने वाले वक्त में सरकार से इसको लेकर के मांग करते हैं कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए? आज मृतक परिवार से जब हमने मुलाकात की तो उनका कहना था मुआवजा देने का तो बोल दिया उन्होंने, लेकिन किसी के खाते में पैसा आया नहीं है। और एसडीएम तहसीलदार भी वहां पर गए तो उनको ढाढ़स बधाया और बताया कि आपके खाते में पैसा आ गया। कागज पे उन्होंने पैसा तो दिखा दिया लेकिन खाते में पैसा नहीं आया। मृतक की माँ से जब हमने बात की तो बोले कि सिस्टम बड़ा गड़बड़ जाला है जो केवल हवा हवा में बात कर रहा है। यहाँ के राजनीति जो वहाँ के विधायक है, स्थानीय विधायक है नारायण पटेल, वो भी उनसे मिले और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि पैसा आ जाएगा। और जब पैसा आया भी तो वो बोल रहे हैं पैसा आया भी, खाते में तो नहीं आया है लेकिन बोल रहे हैं आ गया है। और बच्चा, अब हमारा कोई बच्चा नहीं रहा तो बोले ये पैसा किस काम का। लेकिन नासिर, इस पूरे मामले में जवाबदेही उन अधिकारियों की भी बनती है कि बड़ा सवाल है कि आखिर 2 महीने का समय कम नहीं होता, 2 महीने का समय क्यों लग गया किसान को मुआवजा पहुंचाने में, ये बड़ा सवाल है। क्या इस संदर्भ में आपकी उन अधिकारियों से बातचीत हो पाई है? जी, बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि सिस्टम में क्या लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी का भी हवाला दे रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी जानी पड़ती है, ये होता है। पटवारी हड़ताल पे चले गए थे, तहसीलदार मौजूदी था, इस तरह की टीका टिप्पणी कर रहे थे वो, अपने मतलब ढील पोल उजागर करने पे लगे हुए थे। जबकि ये 2 महीने में सबका मुआवजा तो लगभग आ ही जाना था, अगर मुआवजा आ जाता तो आज इतनी बड़ी घटना सामने घटित नहीं होती। ठीक है नारायण सिंह जी, एक क्योंकि समय की कमी है, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी कि इस पूरे सिस्टम का खामियाजा, इस फेल सिस्टम का खामियाजा सीधे आम जनता को भुगतना पड़ता है। इसकी एक नजीर, एक इसका एक उदाहरण ये मामला सामने आया खंडवा में, जहां किसान ने मौत को गले लगाना ज्यादा अच्छा समझा। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई को लेकर आप क्या कहेंगे नारायण सिंह जी? 30 सेकंड का समय लूंगा। मेरा एक निवेदन है कि ये जो सिस्टम है, जो लचर है, मेरे यहाँ ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर है, हनुमंती है, पर्यटन स्थल है, ये जो वीआईपी मूवमेंट होता है, ये वीआईपी मूवमेंट, वो बॉम्बे से वीआईपी तो आ जाता लेकिन होटल से उसको मंदिर तक जाने में दिक्कत है, उसके लिए उसको एसडीएम चाहिए, उसको तहसीलदार चाहिए, उसको डिप्टी कलेक्टर चाहिए। और इसलिए ये जो सावन के महीने में ये हुआ, इसका भी एक कारण है। अरे ओंकारेश्वर के लिए तो एक अलग से एसडीएम नियुक्त कर दो, तहसीलदार नियुक्त कर दो, रोज वीआईपी मूवमेंट, आज मंत्री आ रहा, राज्यपाल आ रहा, फलाना आ रहा, ठिकाना, उनको वहां तक दिक्कत नहीं, होटल तक, रेस्ट हाउस तक, पर होटल से हमको वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए मंदिर तक जाने के लिए। तो हमारे यहाँ का तहसीलदार या एसडीएम तो आधे समय 363 दिन में से 200 दिन ओंकारेश्वर में ही परेशान है बेचारा, ये भी उसका मुख्य कारण है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नारायण सिंह जी, संजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नासिर आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
और इसी के साथ हमारे खास पेशकश में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।